बेटा तुमने एडिलेड क्यों छोड़ा? हमने एडिलेड क्यों छोड़ा? एडिलेड जिसको भी देखो एडिलेड ही पूछा जा रहा है, भाई आप वापस क्यों आए, आप वापस जाएंगे कहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। एडिलेड की बात करें तो हर जगह, मतलब हम लोग जब से पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जाने से पहले, पाकिस्तान आने के बाद, मतलब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, हर बंदा जहां जाओ 7-Eleven में जाओ, मेट्रो पेट्रोल स्टेशन पे जाओ, ग्रोसरी कर रहे हो, लिकम्बा पे रमजान जो है वो शॉपिंग फेस्टिवल में जा रहे हो, फैमिली के पास जा रहे हो, फ्रेंड के पास जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, ईद मना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब लोग ये पूछते थे कि मतलब भाई आप वही हो ना जो एडिलेड चले गए थे। हाँ भाई हाँ, हम लोग एडिलेड ही चले गए थे, मगर भाई हमें एडिलेड से वापस आना पड़ा। और थैंक्स टू यू गाइस जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, जितने भी लोग मिलते हैं वो लोग बहुत ही इज्जत और एहतराम से बात करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई आप एडिलेड क्यों चले गए थे, मतलब चले तो गए थे मगर वापस क्यों आ गए। तो आज इस वीडियो में मैं और सना आपको ये वजह बताने वाले हैं कि हम लोग एडिलेड जाके वापस क्यों आए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है अशर और मेरी वाइफ का नाम है सना। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल से मुकीम है, मतलब रिहाइश पजीर है, मतलब रह रहे हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं उबर ईट्स भी करता हूँ, सिक्योरिटी भी करता हूँ और भी काफी तरह तरह की जॉब्स करता हूँ। मैंने प्रोफेशनल जॉब से लेके और जॉब से लेके हर तरह की इवन जॉब, हर तरह की जॉब मैंने की हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस, मुझे हर तरह का एक्सपीरियंस दे दिया। काम याद रखना, जिंदगी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अगर कोई भी ये बात बोले कि यार आपकी फील्ड क्या है, आप इस जॉब की तरफ जाओ, आप उस जॉब की तरफ जाओ, प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाओ, इस जॉब की तरफ जाओ, तो यार मेरे हिसाब से कोई इस तरह की जॉब नहीं होती। हाँ, आप प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाओ, बहुत अच्छी बात है, बट जो आप इस वक्त काम कर रहे हो अपनी सर्वाइविंग के लिए, ट्यूशन फीस जमा करने के लिए, तो वो भी कोई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप किसी से मांग के नहीं खा रहे, किसी से उधार नहीं मांग रहे, किसी से इसी तरह कोई भीख नहीं मांग रहे, सो शुड बी मोर देन इनफ कि आप कोई भी काम कर रहे हो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत अच्छा है, हलाल कमा रहे हो, मतलब हराम की तरफ नहीं जा रहे, सो शुड बी मोर देन इनफ। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाई वी लेफ्ट एडिलेड। तो एडिलेड छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो थी हमारी, वो थी हालात, एडिलेड के हालात। एडिलेड के हालात से मुराद, वहां पे हालात अल्लाह का शुक्र है वो वाले खराब नहीं हुए, कोई हड़ताले शड़ताले नहीं हो रही है, उसकी फिक्र मत करो। बट जो वहां की हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ही खतरनाक लेवल के हैं और अब तक हैं। मतलब हम लोग गए थे दिसंबर को, आई थिंक 2 दिसंबर को गए थे, मुझे याद पड़ता है, कोविड से पहले जब मुझे कोविड हुआ था। तो वहां पे जो है वो हमने काफी एप्लीकेशंस डाली। हमारे वहां पे एक जो है वो दोस्त भी मिल गए थे, मतलब दोस्त थे अब्दुल समद, तो थैंक यू यार उनका, उन्होंने हमें जो है वो बहुत हेल्प की घर ढूंढने में। काफी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि यार आपको कोई भी हेल्प हो, कुछ भी हो, तो आप जरूर वो करेगा। साथ ही में जो है वो हम लोग 6 साल से पाकिस्तान का इंतजार कर रहे थे जाने के लिए, क्योंकि जो है वो 4 साल हम लोग पीआर की स्ट्रगल की वजह से नहीं जा पाए, जो कि मतलब पता नहीं सही था गलत था, मुझे अभी तक उस चीज का अंदाजा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली गलत था, क्योंकि जो है वो हमने बहुत कुछ मतलब पा के भी नहीं, मतलब कुछ खो के भी नहीं पाया, मगर पाके भी नहीं खोया, पता नहीं, समझ में नहीं आता। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद 2 साल मगर प्योरली कोविड की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग टेम्पररी रेजिडेंट है, तो जो है वो टेम्पररी रेजिडेंट के लिए बॉर्डर जो है वो 15 दिसंबर से खुले, जो कि 8 दिसंबर को खुलने थे बट वो नहीं खुले थे, तो वो 15 दिसंबर को खुले। तो फिर उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम लोग या तो एडिलेड के अंदर ही रहते हुए, इस वक्त जो है वो एयरबीएनबी पे हम लोग रह रहे थे एज अ फैमिली, तो हम लोग एयरबीएनबी को एक्सटेंड करें, या फिर हम लोगों के पास दूसरे ऑप्शन थे कि जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, थोड़ा बहुत जमा किया हुआ, तो हम लोग वो अपना लिमिटेड अमाउंट लेके पाकिस्तान जाएं और एक आध महीने एटलीस्ट इंजॉय करें। शादियां भी थी वहां पे, हमने ट्रेवल भी किया, लाइफ को जो हमारी फुल स्टॉप 6 साल से लग गया था वो फुल स्टॉप हमने कॉमे के अंदर चेंज किया, और मतलब उसके आगे भी जो है वो हमने अपनी जो सेंटेंस था उसको कोशिश की कि जो है वो मुकम्मल कर सकें, आगे कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें, एटलीस्ट उसको एक्सटेंड कर सकें। मुकम्मल तो अभी तक नहीं हुआ, तब तक नहीं होगा ये अल्लाह को ही पता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है जाहिर है दिलों के हाल, और आगे फ्यूचर जो है वो ना हमें पता होता है ना आप लोगों को पता होता है, ये तो अल्लाह को ही बेहतर पता होता है कि आगे इंसान के साथ क्या होने वाला है, और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा ही होगा। एनीवे तो बात करते हैं एडिलेड की। एडिलेड में ये हुआ कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ही खतरनाक लेवल के थे और अभी तक है, अभी तक भी पाकिस्तानी इन एडिलेड के अंदर भी। मैं अभी एक हफ्ते पहले देख रहा था एक पोस्ट, एक लड़की का था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये कि वो बेचारी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी, टायर्ड थी, और बोल रही थी कि यार प्लीज समवन प्लीज हेल्प अस, वी आर ऑलरेडी लिविंग इन एडिलेड फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स विद अ 1 ईयर बेबी। और शायद अगर वो देख रही हूँ, मैंने उनको शेयर भी किया था, तो शायद वो देख रही हूँ, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा बट वो समझ जाएंगी। तो वो बेचारी होटल्स में रह रही थी, एयरबीएनबी पे रह रही थी, उसका हस्बैंड जॉब कर रहा था, स्टूडेंट ही था, टेम्पररी रेजिडेंट था, और जो है वो बेचारे 5 महीने ऑलरेडी उनको हो चुके थे, ऑलमोस्ट आई थिंक वो भी उसी टाइम पे ही गए होंगे जब बॉर्डर खोले थे नवंबर से, तो उनको भी इतने टाइम हो गया होगा। उन्होंने अपनी ऑलरेडी सेविंग जो थी उन्होंने जमा की हुई,
किस शहर के सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया के किस शहर से मूव हुए थे मुझे ये नहीं पता, सिडनी मेलबर्न वगैरह से ही हुए होंगे पीआर की खातिर। तो उन्होंने वो तमाम अपनी उनकी क्लैप्स कर गई थी और वो लोग ऑलरेडी टायर्ड हो गए थे यार के, मतलब आप एक जो है वो एज अ सिंगल पर्सन आप किसी के साथ मतलब शेयरिंग में तो रह सकते हो, बट फैमिली को किसी के साथ शेयरिंग में या फिर होटल में एयरबीएनबी में रहना यार बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के साथ बहुत मसले मसाइल होते हैं और मेरे जैसे फैमिली वाले जिनके दो बच्चे स्कूल गोइंग हो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो इस्लामिक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो वो मेरी जो प्रेफरेंस थी, सबकी अपनी अपनी अलग होती है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मगर मेरी जो प्रेफरेंस थी वो ये थी कि मेरा बेटा वहां पे भी इस्लामिक स्कूलों में पढ़े। तो वहां पे जो इस्लामिक स्कूल है वो दो तीन जगह पे है, जैसे कि मैरियन वगैरह के आसपास थे और ओ हिलेरन हिल जो सबब है वो वहां पे, एक इकरा कॉलेज था हमारी, वहां पे प्रेफरेंस थी, बात भी की हुई थी हमने, मगर यार वहां पे घर मिलना मतलब एक जहाद बन गया था कि मतलब समझ में नहीं आता था कि घर कैसे मिलेंगे। 20-30 लोगों को हमने अप्रोच किया, एजेंट्स को हमने बोला पर्सनली, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है, 30-40 एप्लीकेशन अपने ऑनलाइन सबमिट की, बाय हैंड सबमिट की, बाय पेपर एप्लीकेशन मतलब फॉर्म फिल करके सबमिट की, सब कुछ किया, जो वहां के लोकल बंदे थे उनसे भी रابطہ किया, सब कुछ किया कि यार किसी तरह हमें घर मिल जाए, मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर होता है, हमें पता नहीं था, मगर हमें उस वक्त घर नहीं मिला और हमने पाकिस्तान का अपना ट्रेवल कंटिन्यू किया और हम लोग सिडनी वापस आए और हमने वो सब चीजें की जो हम लोग मतलब 6 साल से जिसके लिए एलिजिबल थे, सब कुछ थे और करना चाहते थे पाकिस्तान जाना, मगर नहीं जा पा रहे थे। तो काफी लोग ये पूछ रहे थे कि यार आपने और किस वजह से मतलब एडलेट छोड़ा, तो यार सबसे बड़ी वजह होती है आपकी फैमिली। जब आप सिंगल होते हो तो आप अपना एक सूटकेस जहां पे भी रह रहे होते हो उसको एक हफ्ते का नोटिस देते हो, मतलब रेंट देते हो एडवांस, और आप फटाफट जो है वो याल्ला करके निकल जाते हो, मगर बच्चों के साथ, बीवी के साथ, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। आपको जो है वो पहले स्कूलों में बताना पड़ता है, स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर आपके साथ जो और फीसें शामिल होती हैं, मतलब हम लोग टेम्प्रेरी रेजिडेंट होते हैं, अगर हमारे दो बच्चे जो है वो स्कूल में जा रहे होंगे तो हमारी जो स्कूल की जो बच्चों की फीस है साल की वो $5,000 से $7,000 कॉस्ट करती है एक बच्चे की। दो बच्चे होंगे सोचो तो 7,000 की जगह $14,000 पर ईयर जाएगी। दैट मीन्स 14,000 का मतलब हुआ ऑलमोस्ट $2,000 $1,500 पर मंथ, मतलब यानी जो शिफ्टिंग की कॉस्ट होगी, मूविंग की कॉस्ट होगी, उसके बाद वहां पे एक जॉब मिलने की एक टाइम लगेगा, फिर वहां पे एक नया सेटलमेंट होगा, किस तरह का होगा क्या नहीं होगा, बाकी देखो रिस्क देने वाला अल्लाह की जात होती है, बट आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है टेम्प्रेरी वीजाज को अफोर्ड करते हुए कि आप अपने बच्चों की फीसें भी दो, सब कुछ करो, ये करो वो करो, और फिर मूविंग की भी कॉस्ट करो, जो कि $10,000 से $15,000 एटलीस्ट आती है फैमिली के साथ मूव करने की, क्योंकि आप वहां पे जो रेंटल की कॉस्ट है, वो रेंट की जो कॉस्ट है वो पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब मैं पहले कोविड से पहले देखा करता था लॉकडाउन में, तो 300-350 में अच्छा नॉर्मल एक घर 2 कमरों का मिल जाता था, मगर उसी की कॉस्ट जो है वो कम से कम अब $400 से $450 तक भी आ गई है, जो कि एक फैमिली वाले के लिए, नए जो मूव कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। चलो यार वो भी बंदा कर ले, मगर उसमें भी जब हम लोगों से मिले, काफी लोगों से, तो उन्होंने ये बोला कि यार अब आपको जो है वो एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का एडवांस रेंट देना पड़ेगा। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे और एडिलेड में इस वक्त फैमिली के साथ होंगे, वो मुझसे जो है वो शायद अग्री कर सकते होंगे। सिंगल के बारे में देखो मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक फैमिली वाला हूं, तो सिंगल की मैं समझता हूं कोई उस तरह के सर्वाइवल नहीं होता, वो किसी भी तरह एक कमरे में रह लेता है, किसी होटल में भी जो है वो इवन सर्वाइवल कर सकता है, कभी कभी लड़के जो है वो गाड़ियों में भी लिटरली सो जाते हैं, तो मैं उनके साथ, वो मेरे साथ शायद अग्री करें या डिसएग्री करें, आई डोंट माइंड। तो एक फैमिली वाला जो है वो मेरे साथ मोस्टली अग्री कर सकता है। तो हमारा एज अ फैमिली एडलेड मूव होना फिलहाल बहुत मुश्किल हो गया था इन सब चीजों के साथ, स्कूल के साथ, जॉब्स के साथ, टेम्प्रेरी वीजास के साथ, एक्स्ट्रा फीस के साथ, हमारे पास जो लिमिटेड अमाउंट था हमने सोचा इस वक्त हम अपनी वो मेंटल हेल्थ पे खर्च करते हैं, क्योंकि हमारी इस वक्त पाकिस्तान जाना हमारे लिए उस टाइम पे जनवरी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब हम लोग एक स्ट्रेसफुल, बहुत ही समझ लो ये कह लो कि स्ट्रेसफुल हमारे लिए सिचुएशन हो गई थी, मतलब कमाने का दिल भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक पीआर की आपकी ऐसी स्ट्रगल होती है कि जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार आपने सब कुछ किया हुआ होता है। और इसकी वीडियो हम आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे कि हमने मतलब यहाँ पीआर पाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल की, मतलब कौन कौन से कोर्सेज किए, कौन कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज किए जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो तब भी, मगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो है वो काफी पीआर बहुत मुश्किल हो गई थी पिछले दिनों में, अभी भी कुछ ऑक्यूपेशंस को लेके काफी मुश्किल है और हम भी उसी में से एक ही है अनफॉर्चुनेटली। और इसके अलावा एक और रीजन ये भी कि गाइस इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ग्रोसरीज की प्राइसेस एक अलग ही आसमान छू रही हैं, जैसे कि ऑयल की हमने बताया था एक दिन
कि तकरीबन $4 से $5 बढ़ गए हैं एक दो लीटर पी, तो इट्स जस्ट टू मच। और उसकी वजह से हम समझते हैं कि यार ये सब जो हालात थे, हमें लगता है कि एडिलेड ना जाने में शायद हमारी भलाई ही थी। जो अल्लाह का प्लान होता है वही सब कुछ होता है, और हमने जो है वो उसके ऊपर अपना सर खम तस्लीम किया, जिसको भी आप कह लें, बट हम लिटरली हम उसको माने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का प्लान होता ही है, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए सोचा हुआ था। इस इन्फ्लेशन में हमारे लिए शायद एडिलेड के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल से हो जाता है। तो बात ये है कि हमने यही सोचा कि यार इस वक्त कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी मतलब ऑस्ट्रेलिया ही से शुरू हो और ऑस्ट्रेलिया ही पे ही खत्म हो जाए। जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको और भी बहुत सारी खुशियां दी हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है। मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ जिंदगी को सिर्फ पीआर की स्ट्रगल में ही गुजार दो, और भी बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे मेहनत करके पैसे कमा रहे होते हैं, सिर्फ हमारा एक ही मोटिव नहीं होता कि हम उन पैसों को सिर्फ अपनी जो है वो गवर्नमेंट को ही देने में जो है वो लगा दें, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे, या फिर अपनी जो है वो ट्रैवलिंग पे, अपने रिश्तेदारों से मिलने पे। और वो एसेंशियल ट्रैवल था, क्योंकि सना अपने भाई से भाभी से 6 साल से नहीं मिली थी, अपने माँ बाप से 2 साल से नहीं मिली थी। तो अगर मैं उसको अपनी जगह रख के सोचता कि जो है वो मैं अगर ये ना करता तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर चुका था 2013-14 में। तो मुझे पता है कि फैमिली से ना मिलना, और अगर ये चीजें हो जाए, बीच में कोविड भी आ जाए, ये चीजें आ जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी हेड्स ऑफ टू हर पीआर और सिटीजन्स के लिए मैं ये चीज इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो लोग अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से हमेशा से मिल सकते थे, क्योंकि वो मिलके वापस आ सकते थे, क्योंकि उनके पास हमेशा से ये चीजें थी कि वो उनको क्वारंटीन करके आना पड़ता था। तो एक क्वारंटीन की कॉस्ट जो है वो उनको वो भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते थे, और उसकी जो कॉस्ट होती थी वो $1,500 से $2,000, $2,500 होती थी। सो इट्स जस्ट गेम ऑफ मनी, यानी अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप अपने जाओ, और या फिर अगर 3 महीने में वापस भी आ जाओगे तो इज नॉट अ बिग डील। मगर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए जब 20 मार्च 2020 में वो बंद हुआ, 18 मार्च को आई थिंक, और उसके बाद वो 2021 के 15 दिसंबर को खुला, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक अगर हम लोग जाते तो हम कभी वापस आ ही नहीं सकते थे। अब आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि यार आप लोग चले जाते और वापस नहीं आते, यार हमने इतना टाइम और इतनी मनी ऑलरेडी इन्वेस्ट की होती है कि मतलब बंदा ऐसी कश्मकश में होता है कि वो सोचता है कि यार चलो थोड़ा बहुत और टाइम गुजर जाएगा, थोड़ा बहुत और टाइम गुजर जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बात है कि सना के जो है वो माँ बाप, बहन भाई, बहन तो नहीं है उसकी मगर भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हेल्थ में थे, तो हमें वहां से भी खबरें मिलती रहती थी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। तो ये चीजें थी। तो एडिलेड हमारा जो मेन रीजन था ना जाने का वो यही था कि हमारी जो फैमिली थी उसके साथ मूव करना इतना आसान नहीं था। और आज भी मैं अगर वो चीजें देखता हूँ तो मैं अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता कि हाँ मैं उस टाइम पे एडिलेड मूव नहीं हुआ और मैं पाकिस्तान चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आज भी जो मेरी लोगों से बात होती है, कुछ लोग जो है वो रीजनल एरियाज मूव कर रहे होते हैं, डब्बू जा रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, 6-6 साल 5-5 साल हो गए उनको, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जहां से भी बिलोंग करते हो तुम लोग नहीं गए, तो मैं एक दफा फिर भी बोलूंगा तुमको कि यार हाँ जरूर तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, जरूर तुम इस चीज को जरूर परसू करो, पीआर जरूर लो, सब कुछ करो। बट एट द सेम टाइम अगर तुमने अपने बीवी बच्चों को वहां पे ख्वार करवा के रखा हुआ है, माँ बाप से नहीं मिले हो, तो यार कोशिश करो, एक दफा सोचो, एक घंटा बैठ के सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी लंबी है जिस वीजो के पीछे तुम भाग रहे हो, कि क्या वो तुम्हें मिल जाएंगे, या फिर वो मिलने के भी वो तुम्हें खुशी दे पाएंगे, या तुम उसके बावजूद भी जो प्रोविजनल वीजा है, 491 इज जस्ट अ प्रोविजनल वीजा, वो पीआर टू पाथवे है, मतलब वो पीआर नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें पीआर मिल गई 491 इज जस्ट अ प्रोविजनल वीजा। आपको उसके ऊपर 3 साल की जो चीजें होती हैं, मतलब प्रोविजनल होता है, आपको मेडिकेयर वगैरह चीजें मिल जाती हैं, मगर आपके लिए कल को अगर पेंडेमिक आता है तो फिर बॉर्डर आपके लिए दोबारा बंद कर दिए जाएंगे, जैसे स्टूडेंट के लिए होता है, जैसे किसी भी वर्किंग वीजा के लिए होता है। तो आपके लिए वो तमाम चीजें लागू हो जाएंगी जो टेम्प्रेरी वीजा के लिए होती है। तो आपको वो पीआर से अपनी 5 साल मजीद दूर कर देता है, क्योंकि अगर आपको आज इन्विटेशन आता है तो आप जो है वो 1 साल के बाद आपका वीजा प्रोसेस होगा, या 6 महीने जो भी होगा, उसके बाद आपको 3 साल तक उसी रीजनल एरिया में रहना है, और 54,000 की जो भी लिमिट होती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट आगे चल के कहेगी कि वो चीजें पूरी करनी है। और अगर इस गवर्नमेंट का भाई फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भरोसा भी नहीं है कि 3 साल के बाद भी बोले कि यार आपने जो नॉमिनेशन में डाला हुआ था, कि जिसने नॉमिनेशन में डाला था, फिलहाल तो ये है कि 191 अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, वो इस साल के नवंबर में लॉन्च होगा। अब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, नहीं क्या नई नई चीजें आएंगी, वो तो मतलब ना मुझे पता है ना आपको पता है। फिलहाल तो ये चीजें दिखने में आ रही हैं, फिलहाल तो हमें पहले भी दिखने में आ रही थी कि 482 और 457 को पीआर से पाथवे से निकाल दिया था, मगर अब दोबारा डाल दिया गया है। तो अब ये गवर्नमेंट मतलब किस तरह खिलवाड़ करती है भाई, ये मुझे नहीं पता, ना आपको पता है कि
आगे चल के चीजें बेहतर होने वाली है या बदतर होने वाली है ये तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मगर जो फिलहाल हम अपने प्रेजेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपनी फैमिली को बेहतर कर सकें, मतलब अपनी फैमिली से मिल सकें, या तुम लोग की बीवियां वहां पे बच्चे बैठ के पाकिस्तान में इंडिया में जहां पे भी वेट कर रहे हो उनको तुम यहाँ पे किसी तरह भी ला सको या उनसे मिल सको, तो यार प्लीज इस चीज को जो है वो जिंदगी का रोग मत बनाओ प्रोविजनल वीजा लेने के लिए, और कोशिश करो कि फिलहाल जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको एंजॉय करो।